हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू द चैनल। आज मैं निकला हूँ कार में, देख रहा हूँ यार थोड़ा कुछ कैंपिंग गेयर वगैरह लिया जाए। प्लान है कि आगे चल के थोड़ी कैंपिंग वगैरह भी करे जाए बाइक राइड के साथ। अभी मैं डेकाथलॉन की ओर जा रहा हूँ और अगर कुछ अच्छा गेयर मिलता है तो खरीदेंगे। गाइस, मैं हूँ अभी इलेक्ट्रॉनिक सिटी के फ्लाईओवर में। तो अगर आप लोग बैंगलोर से बिलोंग करते हैं तो ये फ्लाईओवर सिल्क बोर्ड से इलेक्ट्रॉनिक सिटी जाता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट फ्लाईओवर है, नाइस रोड की तरह ही। लेकिन ये जो है आपके इलेक्ट्रॉनिक सिटी फ्लाईओवर और सॉरी इलेक्ट्रॉनिक सिटी और सिल्क बोर्ड के बीच के काफ़ी जंक्शंस को बाईपास कर देता है, तो काफ़ी इसलिए इम्पोर्टेंट है। और अगर आप नीचे से जाते हैं तो आपको ऑलमोस्ट 3-4 times टाइम लग जाता है इलेक्ट्रॉनिक सिटी पहुंचने में। तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी के आगे ही एक डेकाथलन है, तो कोशिश कर रहा हूँ वहाँ पहुंचने की। तो अगर मुझे कोई कैंपिंग गियर पसंद आया तो आज हम कैंपिंग गियर खरीदेंगे। तो चलिए आपको मैं सीधे मिलता हूँ डेकाथलॉन में और देखते हैं वहाँ पर क्या क्या अवेलेबल है और फिर ख़रीदारी करेंगे। दोस्तों पहुंच गए हम डेकैथलन। अंदर जाके देखता हूं कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं टेंट के। स्टोर में तो हम पहुंच गए हैं, लेट मी सी टेंट वगैरह का किधर है। इधर कुछ कैप्स हैं बट नहीं, नहीं इधर तो नहीं है यार। तो ये है टेंट का सेक्शन। आई थिंक यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे अच्छे और सीटिंग ऑप्शंस भी हैं। ये देखिए, ये आई थिंक 2499 का है, लेकिन ये वाटरप्रूफ है कि नहीं पता नहीं। तो ऐसा है, आई थिंक ये सब अलग से लेना पड़ेगा मैट। ऐसा दिखेगा आपको अंदर से। दूसरा ये है, ये थोड़ा सा बड़ा है 5000 का। इतना बड़े की ज़रूरत नहीं है, मोस्टली मैं अकेले ही रहूँगा तो इतने बड़े की मुझे ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ये थोड़ा ठीक लग रहा है 2 seconds। कोई है नहीं यार, थोड़ा सा वांटेड टू अंडरस्टैंड मोर। आई थिंक इन्हीं के इन्होंने ये सैंपल्स रखे हुए हैं यहाँ पे। ये 2 seconds वाला जो आगे है, ये काफ़ी बड़े टेंट का सैंपल है। थिंक दिस इज वेरी बिग। 2 seconds। दिस इज एक्चुअली व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, आर पेनास 3। ये होता है ना, इसमें इनिशियली ये अंदर से ही ऐसे सेट हो जाता है, तो बाहर से आप ये कवर डालते हैं, रेन कवर है। तो ये वाला बेटर होता है। तो मैं को ऐसा ही कुछ चाहिए, लेट मी सी, आर पेनास 3।
फैमिली वाला है ये सब, काफ़ी बड़े भी हैं, इतने भारी तो वैसे भी काम नहीं है। यार अपना स्त्री देखना है, कोई आता है तो मैं पूछता हूँ, बाकी तब तक और कुछ देखते हैं टेंट से रिलेटेड। बाकी ये देखिए, ये वॉकिंग स्टिक्स वगैरह हैं, ये एक हार्डकोर ट्रैकिंग के लिए है, तो अभी मुझे इसकी ज़रूरत है नहीं। ये आपके वाटर बैग्स हैं, एक्चुअली मेरे उसमें वाटर बैग की जगह है, बट उसमें इतना बड़ा नहीं आएगा, थोड़ा सा छोटा वाला चाहिए। ये आपकी डिशेस वगैरह हैं खाने वगैरह के लिए, तो ये भी लूँगा मैं। यहाँ पे सारे थर्मस हैं, ये है आपका मग जो आप लेके जा सकते हैं, ये ज़्यादा सही रहता है, आप देखेंगे इसको आप ऐसे फोल्ड करके लेके जा सकते हैं। तो ये है 499, मिलेगा आपको 299 में। और एक इस तरह का स्टूल चेयर भी बहुत ज़रूरी है बैठने के लिए, आई थिंक दिस वन इज़ बेटर, आप आराम से बैठिए। और 1200 की ये पड़ेगी। और टेंट के लिए आई थिंक मुझे किसी की ज़रूरत पड़ेगी वाला दिखाने के लिए, वो है नहीं यहाँ पे अभी। अच्छा ये तो है, मैंने ये वार्मर वगैरह है स्लीपिंग बैग्स टाइप के, लेना चाहिए वैसे। चलिए एक बार मैं टेंट का पता कर लेता हूँ यार, जो मैंने सेलेक्ट करा है वो टेंट इनके पास है कि नहीं, किसी को पकड़ता हूँ और पूछता हूँ जरा। तो गाइस फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया कि कौन सा लेना है, तो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये वाला है जो मैं सोच रहा हूँ ले लूँ, लेकिन ये 3 पर्सन है जो मैं लूँगा, वो 2 पर्सन वाला है, क्योंकि मुझे उससे बड़ा चाहिए नहीं। वैसे सिंगल भी बहुत है, 2 पर्सन में थोड़ी जगह यार होनी चाहिए। तो दिस इज़ द वन, कैसा लगा आपको मुझे बताइएगा, मेरे को पड़ेगा ये 4000 का। बाकी इसके साथ जो जो चीज़ें मुझे लेनी है वो मैं धीरे धीरे डिसाइड करता हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी चीज़ों का अभी आइडिया है नहीं, बट टेंट ये वाला मैंने पसंद कर लिया है। सेम इसी कलर में आएगा, सेम इसी, बस इससे थोड़ा सा छोटा होगा। ये 3 पर्सन का है, जो मैं लेने वाला हूँ वो 2 पर्सन वाला रहेगा। Giving a quick demo of how to assemble this. I've already bought this one. Thank you.
So we have two rods and we have to combine them, two big rods. This is the base. Yeah. This is the base. So we have to take one diagonal, put it there, and then second one in the other diagonal. So both has to be in the diagonal. So you have to fix all this. आपका basic हो जाएगा. उसके बाद आप ये जो है ऊपर से इसमें fix कर देंगे. This is the tent basic. I think एक के लिए बहुत है. तो दोस्तों बाहर हो रही है बारिश. मैंने ऑलरेडी टेंट ले लिया है. डेमो आपने देख ही लिया होगा. बहुत ही जल्द हम जाएंगे कैंपिंग के लिए भी. टेंट लगाएंगे कहीं मज़े करेंगे. तो आज के लिए इतना ही. बहुत ही जल्दी मिलूँगा मैं एक नए वीडियो के साथ. तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों.